आज सारे उड़ीसा में, सारे उड़ीसा में एक मैराथन हो रहा है। मैराथन जो हॉकी के लिए हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो आयोजन किया वर्ल्ड कप हॉकी, आज हम देख सकते हैं जैसे संबलपुर ग्लोबल, जैसे संबलपुर ग्लोबल वाले हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ग्लोबल करने से जिस तरह गोल होता है उसी तरह जैसे भी गोल हर जगह घूम जाता है, वो कहीं रुकने का नाम ही लेता है। और ख़ास करके जैसे ग्लोबल में युवा लड़के हैं, युवा है, और युवा लोगों का उमंग ही अलग होता है। आइए यहाँ के अध्यक्ष भी मिलेंगे। सर आपका नाम? सर नमस्कार, मैं जैसे किशोर अग्रवाल 2023 का प्रेसिडेंट इलेक्ट। सर आप? मैं जैसे प्रणव लाड, प्रेसिडेंट 2021। जी सर, अब हमारे सामने दो दो अध्यक्ष हैं, यहाँ डबल अध्यक्ष होते हैं, डबल काम होता है। तो सर आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताइए। पहले तो उड़ीसा को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उड़ीसा ने वर्ल्ड कप हॉकी ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही स्मूथ है, जैसा कि जेसीआई हमेशा से जाना जाता है ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के लिए। और इस साल भी एसएमसी ने हर साल की तरह हमें चुना अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को स्मूथली चलाने के लिए। और साथ ही आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर उपस्थित है और बहुत स्मूथली सारा काम चल रहा है। जी सर, थैंक यू सर। सर आप क्या बोल रहे हैं, आप भी तो एक्सप्रेसेंट रह चुके हैं। सर मैं सबसे पहले एसएमसी को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी यहाँ पे हॉकी से जुड़े समस्त पार्टिसिपेंट्स को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। ये उड़ीसा के लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में राउरकेला और उड़ीसा में भुवनेश्वर को सिलेक्ट किया गया है इस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। सारे और इंडियन प्लेयर्स के लिए सबसे खास चक दे इंडिया एंड विल विन इट। थैंक यू सर। अभी हमने देखा जिस तरह जैसे वालों ने कहा, उड़ीसा गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, नवीन जी को भी धन्यवाद दिया कि पहली बार इतना वर्ल्ड कप इतना बड़ा सुंदर हो रहा है राउरकेला और भुवनेश्वर में, और उसी की प्रचार के लिए यहाँ पर जो वर्ल्ड कप जो आने वाला है जो दिया जाएगा अब उसके इंतजार में। और हम आपको दिखाते हैं, चलिए सुबह से कितना लंबा भीड़ है, एक झलक आपको दिखा। अरे ओ राम जी, राम जी भाई, ओ राम जी भाई, तेरा फोटो उठा रहे देख। जी संबलपुर फर्स्ट, आपकी आवाज। हाँ बोलो अभी आए हो, बोलिए इधर आओ, आओ ना यहाँ बोलो, लेडीज लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ देखो आपकी आवाज में ठीक है, आओ थोड़ा थोड़ा इधर आ, बेहतर है इंटरव्यू नहीं हुआ, चल आइए मैम इधर। ओ मैम नहीं बोलेगी, मैम बांटने में लगे। हाँ नमस्कार, आज संबलपुर मंदलिया फील्ड में, और हम देख सकते हैं संबलपुर का एसएमसी प्रशासन, ओडिशा प्रशासन की तरफ से विराट एक मैराथन हो रहा है। मैम आपका नाम? मेरा नाम संगीता ठाकुर है। अच्छा आप कहाँ रहती हो? मैं खिदराजपुर चंदन नगर में रहती हूँ। चंदन नगर, जो आज मैराथन के बारे में क्या बोलोगी? बहुत तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रॉफी आ रहा है हमारा हॉकी का। तो आप भी हॉकी इंटरेस्टेड? चलिए बहुत, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
आप भी चंदन नगर का नाम रोशन करोगे लक्ष्य। कितना तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है मैम को आपको नाटक कौन नाटक यादव आप आपका नाम सुमन संजीता साहू। अच्छा मैडम आज एजेंडा मराठा नो ऊपरी जेंडा गुटे लंबा लाइन लगे छे आपन बे छे ऊपरी कौन कंदा लागो जे का बहुत लागो छे। थैंक यू अभी हम देखते थे सुबह सुबह 5 बजे से एसएमसी के कर्मचारी जो भी हैं हम खास तक देखते हैं मैडम लोगों वो सुबह से लाइन लगा चुकी हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह ये लाइन है और किस तरह को एक भाई साहब आ रहे हैं वो भी टोकन दे रहे हैं सबको नंबर भी दे रहे हैं वो भी समाज से भी हैं। रो मैडम आप देखा ले लेते हैं